अभी शाम के 4:30 हो चुके हैं और यहाँ मरुड़े के जितने भी काम हैं वो सारे हम लोगों ने निपटा लिए हैं। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोग आए हैं कैंप साइट की तरफ। अभी एक तरफ मरुड़े के अंदर सफाई चल रही है और दूसरी तरफ यहाँ ऊपर मरुड़े के ऊपर आउटर को ओढ़ा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मरुड़े की मरम्मत नहीं हो पाई है। तो थोड़ी सी भी बारिश होती है तो मरुड़े के अंदर पानी घुस जाता है। और साथ में यहाँ पे देखिए आप लोग, मरुड़े के सबसे सुंदर जीव भेड़ बकरियाँ आराम से मस्त से धूप सेक रही हैं और इसके बाद इनकी जंगल जाने की तैयारी होती है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की चोपता घाटी से। अभी दिन के 11:30 हो रहे हैं और मौसम आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सुहावना हो रखा है। और आज हम लोग आए हैं चोपता वैली की अपनी जो छावनी होती है, जिसको हम लोग अपनी लोकल बोली में मरुड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं क्योंकि हमारे जो ससुर जी हैं वो यहाँ पर अपने गाय भैंसों के साथ लगभग 6 महीने रहते हैं, यानी कि जो बरसात का टाइम होता है तो पूरा यहीं पे उन लोगों का यानी कि ससुर जी का व्यतीत होता है। तो ससुर जी जो है वो इस रास्ते आ रहे हैं पैदल रास्ते, और हम लोग गाड़ी से आए और घर से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि घर से काफ़ी जल्दबाजी में हम लोग आए और गाड़ी का जो सफ़र हम लोगों का रहा वो बहुत ही बेकार रहा, मुझे काफ़ी उल्टियाँ हुई, तो इस वजह से इतनी लेट से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। बाकी आप लोगों को दिखाते हैं, ये जो सामने आप लोगों को एरिया दिख रहा है ये मरुड़ा वाला एरिया है, जिसको छावनी आप लोग कह सकते हैं। और यहाँ ऊपर आप लोग देखिए भेड़ बकरियाँ हैं, जो कि बगल पे ही हमारे पड़ोसी गांव के हैं, तो उनके यहाँ पे भेड़ बकरियाँ चराने के लिए ले आ रखी हैं। और ये हमसे काफ़ी दिन पहले आ गए थे, हम लोग तो आज ही आ रहे हैं। और बाकी आप लोगों को मरुड़ा दिखाते हैं कि किस तरह से जो मरुड़ा में रहने वाले लोगों का जीवन होता है, तो उसके बारे में आप लोगों को आज के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और आज हमारे यहाँ पे मेरे साथ हो गया और बाकियों के साथ आहिल भी आया हुआ है और जीजा जी भी आए हुए हैं, जो कि मस्त से इस खूबसूरत से बुग्याल में पेप्सी का आनंद ले रहे हैं। और जीजा जी जो है हर साल आते हैं यहाँ पे, यानी कि जब भी यहाँ से ससुर जी आते हैं जिस टाइम तो उस टाइम भी आते हैं, और जब यहाँ से वापसी जाते हैं तो उस टाइम भी आते हैं। बाकी ससुर जी आज शलमी बुग्याल से यहाँ जो जगह आप लोगों को दिख रही है यहाँ का नाम है शमतली बुग्याल, यानी कि शमतली यहाँ का नाम है, तो शमतली में 6 महीने के लिए रहने के लिए आएंगे। बाकी जो दो साल भर में 2 महीने ही केवल ससुर जी घर में रहते हैं, बाकी साल के जो बाकी महीने होते हैं तो उनका जीवन ऐसे गाय भैंसों के साथ इन खूबसूरत बुग्यालों में गुजरता है। तो अभी आप लोग यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि मरड़े में जो छावनी होती है, यानी कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो ऊपर देखिए रिंगाल से बनी हुई है, पहले तो लकड़ियों का काम किया गया है और फिर रिंगाल ऊपर से रखी गई है, और साथ में जो है ऊपर से सूखी घास रखी हुई है। और इसको हमारी लोकल जो बोली होती है उसमें इसको खौड़ बोलते हैं। और अभी हम लोग गाड़ी से इतना राशन ले आए हैं यहाँ के लिए, और खाने पीने का जितना भी राशन होता है, और अंदर जो है काफ़ी सफाई करनी हम लोगों को थी, तो सफाई भी हो चुकी है और जो लिपाई होती है तो वो भी जो हमारी देवरानी है उसने लिपाई भी कर ली है। और अब बात आती है लंच तैयार करने की, जब तक ससुर जी लोग और बाकी लोग गाय भैंसों को लेके आते हैं तो तब तक हम लोग लंच की तैयारी करते हैं, लंच बनाते हैं। और बाकी उसके बाद जो सबसे मेन काम है वो है रोड से
जो सूखी घास आने वाली है गाड़ी में, तो रोड से हम लोगों को यहाँ तक ले आनी है। तो चलिए आप लोगों को पहले किचन की तरफ ले चलते हैं, यानी कि जो छावनी में, जो मरड़े में जो किचन होता है तो वो किस तरह का होता है, तो और किचन में क्या बन रहा है तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। और अभी यहाँ पे भीड़ बकरियाँ भी चरने के लिए जंगल को रास्ता लग गई हैं, और अब ये सीधा शाम को ही घर वापस आएंगे, यानी कि यहाँ जो छावनी बनी है तो यहाँ पे शाम को ही वापस आएंगे। तो रसोड़े में जाने से पहले, क्योंकि खाना बनाने के लिए पानी पूरा नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा चलो पानी के लिए चलते हैं पहले, और उसके बाद आप लोगों को रसोड़ा दिखाते हैं। और पहले यहाँ पे आप लोग देखिए, पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है, और यहाँ पे मैंने बड़ा सा पतीला लगा दिया है धारे पे, और पतीला लगभग भर भी गया है। तो चलिए आप चलते हैं मरोड़े की तरफ, और मरोड़ा यहाँ से काफ़ी दूर रह गया है, और वैसे तो मरुड़े के पास में ही पानी रहता था, लेकिन आजकल वहाँ पे पता नहीं क्या हो गया तो पानी नहीं आ रहा है, और इस तरफ पानी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ ज़्यादा आ रहा तो यहीं पे चलते हैं। तो चलिए पहले पानी को घर ले जाते हैं, यानी कि मरुड़े की तरफ ले जाते हैं, और उसके बाद आप लोगों को रसोड़ा दिखाते हैं। तो अभी मैं धारे से आ गई हूँ, और ये वाला एरिया जो आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे चारों तरफ से दीवार दी गई है, दीवार बनाई गई है, क्योंकि इस जगह पे रात को गाय भैंसें रहती हैं। और ये रहा मरुड़ा, जिसमें कि अभी अभी ये टेंट कवर डाल रखा है, इसको क्या बोलते हैं, आउटर डाल रखा है। और वैसे पुराने टाइम पे जैसे उस साइड मैंने दिखाया आप लोगों को, घास फूस से बना रहता था मरुड़ा, तो उस हिसाब से अब इस तरह की तरकीब नए ज़माने के हिसाब से लगा दी गई है। और मरुड़े में एंटर करने के लिए दो दरवाजे रहते हैं, तो ये वाला जो दरवाज़ा है वो सीधे रसोड़ी की तरफ ले चलता है। तो चलिए, काफ़ी छोटा सा दरवाज़ा है, और यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा चूल्हा लगा रखा है, और साथ में यहाँ पे चावल पकाने के लिए रखे गए हैं, और दो दो कुकर में यहाँ पे चावल बनाए जा रहे हैं आज, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। और ये वाला जितना भी एरिया दिख रहा है वहाँ से और यहाँ तक, इसमें सोने के लिए भी रहता है और यहीं पे खाना भी बनता है। बाकी इस साइड जितना भी एरिया दिख रहा है, यहाँ पे भी गाय भैंसें रहती हैं रात को, तो कुछ इस तरह का सीन है यहाँ का। बाकी अंदर काफ़ी अंधेरा है, क्योंकि लाइट की यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था रहती नहीं है, तो सोलर प्लेट से यहाँ पे काम चलाते हैं ससुर जी, यानी कि मरुड़े में रहने वाले जितने भी लोग रहते हैं तो वो सोलर प्लेट का ही यूज़ करके अपने लिए यहाँ पे लाइट की व्यवस्था करते हैं। अभी दोपहर के 1 बजने वाले हैं, और चावल तो कब के बन चुके हैं, और यहाँ पे हमारी देवरानी और ननद जी दोनों साग बना रहे हैं, और साग में आज कड़ी बन रही है। तो जो मरड़े का खाना होता है वो काफ़ी टेस्टी होता है, यानी कि जो छावनी में बना हुआ जो खाना होता है, उसको कैसे भी बनाओ वो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे दोनों लगे हुए हैं खाना बनाने में, और साथ में जीजा जी की निगरानी में या ना जनवा लान के जीजा जी की निगरानी में। और चूल्हा देखिए यहाँ पे कितना बड़ा है। अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं, और हम लोग मरुड़ा से थोड़ा ऊपर आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर देवर जी खुरसू काट रहे हैं, क्योंकि खुरसू जो होता है वो गाय भैंसों को चारे के रूप में दिया जाता है। और देवर जी ने कहा जब तक ससुर जी, यानी कि देवर जी के जो पापा जी हैं तो वो आते हैं, तो तब तक हम लोग घास निकाल लेते हैं जो खुरसू होता है। इतने बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर हैं, और देवर जी को इतने बड़े पेड़ पर मैंने पहली बार जाते देखा है, तो काफ़ी
डर भी लग रहा है। और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कितने बड़े पेड़ पे देवर जी गए हुए हैं। और साथ में इसके बाद क्योंकि हमें सूखी घास ले आनी है रोड से, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो जब तक वो लोग आते हैं तब तक हम लोग खर्च भी ले जाते हैं मरोड़ा तक, और उसके बाद हम लोग जब वो लोग आएंगे तब हम लोग सब मिल के लंच करेंगे। तो पहले आप लोगों को देवर जी से मिलवाते हैं जो कि बड़े से पेड़ पर चढ़े हुए हैं। तो अभी दीदी लोग भी आ गए हैं गाय भैंसे लेके, और ये लोग भी हमारे साथ यहाँ ऊपर खुरसू लेने के लिए आई हुई हैं। तो सभी ने अपनी अपनी भारियाँ लगा ली हैं, यानी कि बोझे तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब मरुड़े की तरफ चलते हैं। मियारू मियारू तो चलिए सभी लोगों ने अपने अपने काम निपटा लिए हैं और सब लोग आ चुके हैं। तो पहले लंच कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो कड़ी चावल का आनंद लेते हैं। और मरुड़े की एक खास बात यह होती है कि सब लोग बाहर पे ही खाना खाते हैं, यानी कि चावल अंदर मरुड़े के अंदर नहीं खाते हैं। तो पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद और बातें आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। अभी शाम के 3 बज गए हैं और हम लोग रोड से सूखी घास नीचे छावनी तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी काफ़ी लेट से आई तो इस वजह से ये काम काफ़ी लेट से हो रहा है। और मौसम जो है पूरा पैक हो चुका है आसमान, तो हो सकता है बारिश भी लग जाए थोड़ी देर में। तो उससे पहले फटाफट से हम लोगों को ये काम निपटाना है। बाकी सभी लोग आगे निकल गए हैं और मैं पीछे रह गई हूँ, और साथ में यहाँ ऊपर छोटे छोटे बच्चे भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो ये लोग भी एक एक गठियाँ घास के लिए आ रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड भी अभी आ चुके हैं, जिस गाड़ी में सूखी घास लाए तो उसी गाड़ी में आए और कंधे पे बैटरी ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था रहती नहीं है। तो इस तरह से बैटरी का यूज़ करते हैं या सोलर प्लेट का यूज़ करते हैं, तो उसके बाद ही यहाँ पर लाइट की क्या बोलते हैं व्यवस्था करी जाती है। बाकी हमारे कुत्ते देखिए हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी बने हुए हैं, और ये पैदल आए क्योंकि हम लोग गाड़ी में आए, और ये पैदल आए इन दीदी लोगों के साथ। तो चलिए एक चक्कर तो हम लोग ले आए हैं घास, और अभी एक चक्कर बाकी है, और साथ वाले काफ़ी ऊपर चले गए हैं ये देखिए। तो मैं भी निकलती हूँ फटाफट से। अभी शाम के 4:30 हो चुके हैं और यहाँ मरुड़े के जितने भी काम हैं वो सारे हम लोगों ने निपटा लिए हैं।
सबसे खास काम जो था वो था रोड से यहाँ नीचे मरुड़े तक सूखी घास को ले आना। तो वो काम हम लोगों ने निपटा लिया है और जंगल से हम लोग जो खरसु होती है हरी घास, तो वो भी हम लोग ला चुके हैं। और शाम के 4:30 बजे हम लोगों ने चाय भी पी ली है इस खूबसूरत से लोकेशन का आनंद लेते हुए। और यहाँ बुग्याल में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे गाय भैंसे हैं जो कि हमारे ससुर जी ने पाल रखी हैं। और बुग्याल में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हरी भरी घास हो रखी है, तो जो कि इन गाय भैंसों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। तो इसी वजह से गांव के जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ पे इस मखमली घास को चराने के लिए अपनी गाय भैंसों को यहाँ पे छोड़ने के लिए आते हैं। और आज केवल हम ही लोग आए हैं और कुछ दिन में यहाँ पे आसपास के गाँव के लोग भी ससुर जी के पास गाय भैंसें चराने के लिए ले आते हैं। तो अभी मरुड़े की जो सबसे खास चीज़ दिखाने लायक है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाली जगह जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, जो नीचे से पत्थरों की दीवार दी गई है और ऊपर झाड़ी नुमा पूरी दीवार बनाई गई है। तो ये भेड़ बकरियों के लिए बाड़ा बनाया गया है ताकि जब रात को भेड़ बकरियाँ इस बाड़े में रहें तो जंगली जानवर का किसी का भी डर ना हो। इसी वजह से ऐसे ऊपर से झाड़ियाँ लगा रखी हैं जो कि खरसू की टहनियाँ हैं, और इस तरह से बाड़े को और ऊपर तक दीवार बनाई गई है। बाड़े की जो दीवार है इस तरह से टहनियों को लगा के बाड़ा बनाया गया है। तो बाकी मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, पूरा आसमान जो है वो पैक हो गया है और हमें जो है काफ़ी ठंड लग रही है और हम लोगों की घर जाने की तैयारी भी हो गई है। और इस साइड देखिए हमारी देवरानी और जेठानी दोनों पानी ले आ रही हैं, क्योंकि आज से ससुर जी यहाँ पे क्योंकि अकेले रहेंगे, तो आज क्योंकि हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर तो ये लोग ससुर जी के लिए शाम के लिए पानी ले आ रहे हैं। और पानी का धारा उस पार है, तो अभी हम लोग घर जाने वाले हैं तो ये लोग सारी व्यवस्था करके जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ से हम लोग कैंप साइड में भी जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, वो तो आप लोगों को ब्लॉग में आके देखने को मिलेगा। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोग आए हैं कैंप साइट की तरफ, और आते ही यहाँ पे भैया ने चाय बना ली। तो चलिए इस खूबसूरत से लोकेशन का आनंद लेते हुए और इन खूबसूरत सी वादियों का आनंद लेते हुए चाय का आनंद भी लेते हैं। और ये रही भैया जो कि हमारे कैंप साइट में हमेशा रहते हैं, मतलब साल भर में 11 महीने तो लगभग इनके यहीं कट जाते हैं। और हम लोग यहाँ पर आए या ना आए हमें कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि भैया यहाँ का ख्याल पूरा रखते हैं और साथ में ये वाले भैया भी यहाँ पे प्रॉपर रहते हैं। और दोनों जो है जीजा साले हैं अब, हाँ तो दोनों जीजा साले हैं और हमेशा हम लोगों की जो कैंप साइड है तो यहाँ का ख्याल यही रखते हैं। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं ये रहा रसोड़ा और ये रही कैंप साइड जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और इन खूबसूरत सी वादियों में देखिए चाय का आनंद ले रहे हैं और वो भी घर के दूध की चाय। तो चाय पीते पीते हम लोग नीचे से काफ़ी ऊपर आ गए हैं और जो चाय भैया ने बनाई है काफ़ी टेस्टी बनाई हुई है हमारे घर में, जबकि हमारी जो घर की गाय है उसी का ही दूध का चाय बनता है, लेकिन इतनी टेस्टी घर में हम लोग चाय नहीं बना पाते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं मैं आई हूँ, साथ में हस्बैंड आए हैं मेरे जो अभी कैमरामैन बने हुए हैं और वो भी चाय का आनंद ले रहे हैं, और साथ में आहिल भी आया है जो कि सारे कैंपों में घूम रहा है और चेक कर रहा है कि किस कैंप में कैसे डेकोरेशन की गई है। तो कैंप के अंदर की डेकोरेशन मैं कभी आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी शाम के 5:30 होने को है और हम लोगों को घर भी जाना है, क्योंकि जो हमारे साथ वाले हैं वो गाड़ी से नीचे निकल गए हैं और हम लोग यहाँ ऊपर पैदल आए थे कैंप साइट तक, और उसके बाद हमें नीचे जाना है पैदल रोड तक और फिर जाएंगे हम सीधे घर को। ठीक है फिर मिलते हैं, कभी आना घर में, आते तो है नहीं आप, जब शादियाँ होती हैं घर में तभी आते हैं अब हम किसकी शादी कराएं इसके बाद बच्चे तो अभी काफ़ी छोटे हैं, देखिए इतना तो आहिल है अभी
और मेरे बच्चे तो काफ़ी छोटे हैं। तो चलिए मिलते हैं, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना भी और हमारे कैंप साइट का भी। ये वाला पूरा जितना भी एरिया है ये पूरा बनिया कुंड का एरिया है, जहाँ पे इतने लग्जरी होटल बनी हुई हैं। बाकी नज़ारों का आनंद लेते हुए हम लोग जा रहे हैं सीधे घर को।